ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 19.5, डेट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या होता है उसको जो है वो हमने स्टडी करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स आप कंसिडर कर लें कि आपके पास जो है वो ये एक हमने मेटल सरफेस ले ली, ठीक है। अब इस मेटल सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, लाइट फॉल करवाई, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने जब लाइट फॉल करवाई ना, तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम थी, ठीक है, यानी बहुत लो फ्रिक्वेंसी थी। तो लो फ्रिक्वेंसी की लाइट जब हमने अंदर इस मटेरियल पे फॉल करवाई, तो इस मटेरियल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी जगह से डिस्प्लेस तो हुए, लेकिन इस लाइट के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इनकी जगह से निकाल के बाहर जो है वो भेज दें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं हो रहा जब हमने लाइट फॉल करवाई, यानी फोटो, यानी लाइट फॉल करवाई और इलेक्ट्रॉन जो है वो एजेक्ट नहीं हो रहा, बाहर नहीं जा रहा। इसका मतलब है नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज़ एमिटेड आउट। नो फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब कि लाइट फॉल कराने से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक केस तो ये हुआ, लेकिन फिर हमने फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाई, ठीक है, और अब ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, ये ख़ास फ्रीक्वेंसी तक आ गई है जिसको हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, ठीक है। और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट की ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है कि जब इस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी हम एक बॉडी पे फॉल करवाएं, तो ये लाइट अंदर जाके क्या करें, इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के बाहर आ जाएं, ठीक है, या फिर आपके जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ एजेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। नाउ अब हम कह सकते हैं कि येस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटिंग। सो इस प्रोसेस का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि लाइट फॉल कराने से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई। सो इस इफेक्ट को हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है वो हम नाम प्रोवाइड कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंटल अपरेटस के थ्रू जो है वो ये तमाम बातों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमने लाइट है वो फॉल करवाई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हमने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ले ली, ये जो कनकेव शेप है ये हमारा कैथोड है, और ये जो वायर लाइक एक ऑब्जेक्ट है ये हमारा एनोड है। यहाँ से हम लाइट को क्या करवा रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं। इधर से हम देख सकते हैं एमिटर के थ्रू के कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मतलब करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, और यहाँ से हमने एक एक्सटर्नल जो है वो बैटरी भी प्रोवाइड की हुई है ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को एक पाथ जो है वो क्या कर सकें स्टूडेंट्स, प्रोवाइड कर सकें। अब होता क्या है, जैसे ही हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं तो ये लाइट यहाँ से पास होने के बाद आती है हमारे कैथोड के ऊपर, ठीक है। कैथोड पे जैसे ही हमारी लाइट आके फॉल करती है तो होगा क्या, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट आउट होना शुरू हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वलेंट जो है वो होनी चाहिए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैथोड से, जो कि एक मेटल का बना हुआ है, इससे एमिट आउट होंगे, तो आम स्टेट में क्या होगा, ये एनोड है, ये तमाम इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस तरह से अपने पूरे पाथ को कंप्लीट करेंगे, और यहाँ से यहाँ आपके पास जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है वो कहाँ पे आएंगे, एनोड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, और देन जो है वो आप ये कह लें कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका जो कन्वेंशनल करंट है वो क्या करेगा, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर सर्किट के अंदर, ठीक है। यूँ तो एक केस तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन अब हमने इसको इतने आसानी से इस तरह से कंसिडर नहीं करना। हमें जो है वो ये देखना है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, ठीक है, कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास मौजूद है। तो उसको स्टडी करते हैं हम, इसको हम नाम दे देते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमने देखा कि कैथोड पे जैसे ही लाइट आके फॉल की तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव करना शुरू हो गए और एज अ रिजल्ट क्या होगा, कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे सर्किट में, यानी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो कंसिडर करवा लिया। बट वन थिंग इज़ मिसिंग हेयर कि हमें ये नहीं पता कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है और कितनी हो सकती है। इसको देखने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स करा देते हैं, यानी हम जो हमारा एनोड है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड के, ठीक है तो ये भी नेगेटिव लेकिन इसके मुकाबले में ये ज़्यादा नेगेटिव हो गए। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से तो एमिट आउट होंगे लेकिन अब ये जो एनोड है ये हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया हुआ है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल करेगा, ठीक हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है वो तो इस एनोड से क्या हो जाएंगे, इजीली रिपेल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास तो एनर्जी है ही नहीं इस एक हैवी नेगेटिव बॉडी एनोड का मुकाबला करने के लिए। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे ना जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो कि वो इस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड का मुकाबला करते हुए जो है वो पहुँच जाए उस पोजिशन तक और थोड़ा बहुत करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाए। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस एनोड का जो पोटेंशियल है वो मज़ीद क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। इसका पोटेंशियल मज़ीद नेगेटिव करने की वजह से अब क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनोड तक नहीं पहुंच सकेगा क्योंकि रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। सो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो है वो ज़ीरो करंट फ़्लो करना शुरू हो जाएगा, यहाँ आप ये कह लें कि कोई करंट फ़्लो नहीं करेगा, करंट फ़्लो जो है वो हमारा बिल्कुल ज़ीरो तक जो है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब मैक्सिमम एनर्जी अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की देखना चाहें कितनी है तो वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज़ इक्वल टू वी नॉट ई, ठीक है, 1/2 एम वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी नॉट ई के इक्वलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है इसको भी हम देखते हैं और एक दफ़ा दोबारा इसका हम रिव्यू अगर लें तो हमें क्या पता चला था कि जैसे हमने बैटरी के पोटेंशियल्स को रिवर्स किया तो वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा थी वो तो एनोड का मुकाबला करते हुए करंट फ्लो करवा रहे थे, बट एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे हमने इस एनोड के पोटेंशियल को मज़ीद नेगेटिव कर दिया तो अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, किसी काम ना आई और जो करंट था वो फ्लो होना ख़त्म हो गया क्योंकि इनकी एनर्जी अब इतनी नहीं रही कि एनोड का जो है वो मुकाबला करते हुए या उसकी रिपल्शन को ओवरकम करते हुए फ्लो कर सकें। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड करती है किस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, वी नॉट पे, कि पीछे से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हम पीछे से जितना नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, अगर हमने कम पोटेंशियल प्रोवाइड किया है इसका मतलब है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पीछे से ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोवाइड कर दें तो उससे भी हमारी काइनेटिक एनर्जी पे फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू के ऊपर, कि उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू की जो रेंज है वो कितनी होती है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकम ज़ीरो इज नॉन एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इसको हम जो है वो स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द इंसिडेंट लाइट, कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं इंटेंसिटी के हमारे इंसिडेंट लाइट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स को जो है वो स्टडी करेंगे और इन कर्व्स के अंदर सबसे पहली कर्व हम देखते हैं तो वो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आता है, एक तरफ हम ले लेते हैं करंट को, ठीक है यहाँ पे, और एक्स एक्सिस पर स्टूडेंट्स हम लेते हैं अपने पोटेंशियल को। अब स्टूडेंट्स हमने कंसिडर कर लिया कि पीछे से हमने जो लाइट फॉल कराई थी वो दो डिफरेंट टाइम में दो डिफरेंट तरह की लाइट्स फॉल कराई और दोनों की जो इंटेंसिटीज थी वो चेंज थी।
अब जिसकी इंटेंसिटी जिस लाइट की कम होगी ना, लेट से ये I1 है, ठीक है, इंटेंसिटी हमारे पास, तो यहाँ पे जिसकी इंटेंसिटी कम है उसके लिए करंट की वैल्यू भी कम होगी, ठीक हो गया। अब अगर हमने एक ऐसी इंटेंसिटी की लाइट फॉल करवाई है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए उस इंटेंसिटी के लिए जो करंट की वैल्यू है I2 वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मतलब I2 इज़ ग्रेटर देन I1। अब ये जो दोनों इंटेंसिटी हमने फॉल करवाई थी लाइट की, उनकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सेम थी, सिर्फ इंटेंसिटीज में थोड़ा डिफरेंस था, डैट्स वाई करंट भी दोनों के लिए क्या आए, डिफरेंट आए। लेकिन इन दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक ही होगा, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन देखा किस चीज़ का, इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का। अब स्टूडेंट्स एक और हम रिलेशन देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी का क्या रिलेशन है। ये तो हमने इंटेंसिटी का रिलेशन देख लिया ना, अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट में देख लेते हैं फ्रिक्वेंसी का रिलेशन। सो स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंसी का रिलेशन कुछ इस तरह से बनता है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, ये I2 था, ये I1 और I2 ग्रेटर था I1 के। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या ले लेना है, अगेन स्टॉपिंग पोटेंशियल लेना है, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर अगेन हमने जो है वो क्या ले लेना है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट ले लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी मतलब करंट हमारे एक है दो हैं वो तमाम क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब पीछे से हमने दो तरह की जो है वो लाइट्स फॉल करवाई थी, दोनों की इंटेंसिटी सेम थी, डैट्स वाई करंट सेम रहा, लेकिन दोनों की फ्रिक्वेंसी चेंज थी। तो दोनों की फ्रिक्वेंसी चेंज होने की वजह से जो दोनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल की स्टूडेंट्स वैल्यू आएंगी हमारे पास वो क्या आती हैं, चेंज आ रही होती हैं, ठीक है। एक की वैल्यू कुछ होगी और दूसरे की वैल्यू उससे मुख्तलिफ आएगी। और यहाँ पे हम एक और रिलेशन जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो हमारी यहाँ बना लेते हैं हम एक और कर्व, यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी लेते हैं और यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ले लेते हैं, कि जैसे ही हमारी फ्रिक्वेंसी एक खास वैल्यू जिसे हम थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं वहाँ पे पहुँचती है, तो फोटोन जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें जो है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे बाहर एमिट हो रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी पे क्या रिलेशन होता है, कि फ्रिक्वेंसी जैसे ही थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्विवेलेंट आती है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो अब अगर आप ये देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ये फ्रिक्वेंसी है ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो, आप ये कह लें कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी हमारा किस पे डिपेंड करता है, थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। तो ये हमने एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे देख लिया। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। जाहिर सी बात है कि डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रिक्वेंसी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जीज के साथ बाहर एमिट आउट होते हैं। देन मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड अपॉन द सर्फेस ऑफ द मेटल एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो मैक्सिमम एनर्जी के फोटोन्स बाहर रिलीज हो रहे हैं वो डिपेंड करते हैं एक तो कि हमारी मेटल की नेचर कैसी है, और दूसरी कि जो फ्रिक्वेंसी से हम लाइट फॉल करवा रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी जो है वो कैसी है। अगर फ्रिक्वेंसी अपनी थ्रेशहोल्ड वैल्यू से कम है और आप उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ा भी रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट नहीं करवाएगी। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली। इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं होता कि आपने लाइट फॉल कराई तो उसके कोई 10-12 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो, इलेक्ट्रॉन फौरी तौर पे इंस्टेंटेनियसली जो है वो एमिट आउट हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट है कि वो कब ज़्यादा होगी वो डिपेंड कर रही होती है किस चीज़ के ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कुछ पार्ट हमारे फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का।